पाकिस्तान ऐसा कुछ ना कुछ करता रहता है जिसकी वजह से वो सुर्खियों में आ ही जाता है, और सुर्खियों में आने के लिए वो अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती कराने से भी नहीं कतराता। जी हाँ, एक बार फिर ऐसा ही हुआ पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान के पूर्व पीएम शाहिद खाकान अब्बासी ने संसद में ही संसद के स्पीकर को जूते से मारने की धमकी दे डाली। अब आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर पाकिस्तान के पूर्व पीएम ने ऐसा क्यों कहा और क्यों पाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती बार बार कराता रहता है। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। दरअसल पाकिस्तान में इन दिनों फ्रांस को लेकर काफी प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तान के तमाम नेता से लेकर कट्टरवादी संगठन फ्रांसीसी राजदूत के निष्कासन की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर पाकिस्तानी संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया। इसी दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी मर्यादा भूल बैठे। उन्होंने विपक्ष के लिए एक घंटे का समय मांगा ताकि वे प्रस्ताव की समीक्षा कर सकें। अब्बासी की इस मांग को स्पीकर ने खारिज कर दिया। इसके बाद अब्बासी को गुस्सा आ गया। अब्बासी ने तेज आवाज में विरोध करना शुरू कर दिया। इसी दौरान स्पीकर ने उन्हें टोका तो अब्बासी बिगड़ गए। उन्होंने स्पीकर से कहा कि जूते उतार कर मारूंगा, जिसके बाद स्पीकर ने कहा कि आप अपनी हद में रहो। अब आप खुद सोचिए, पाकिस्तान में लोकतंत्र के नाम पे क्या हो रहा है। एक नेता सीधे सीधे स्पीकर को धमकी देता है कि जूते से उतार कर मारूंगा, यानी साफ है पाकिस्तान में हिंसा लाजमी है, वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, फिर किसी तरह की चर्चा हो या किसी तरह का प्रस्ताव हो, बिना गाली गलौज के पूरा हो ही नहीं सकता। वहीं पूर्व पीएम शाहिद खाकान अब्बासी के इस बर्ताव का वीडियो वायरल हो रहा है। तमाम लोगों ने इस भाषा के लिए पाकिस्तान की आलोचना भी करनी शुरू कर दी है। यहां तक कि खुद पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के आधिकारिक ट्विटर पर भी इस घटना का वीडियो शेयर किया गया है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री शफकत महमूद ने अब्बासी की अभद्र भाषा को लेकर आलोचना की है। तहरीक इंसाफ के सांसद अजमल अली खान ने संसद में फ्रांसीसी राजदूत को निष्कासित किए जाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया था। बस इसी बात को लेकर अब्बासी और स्पीकर के बीच टकराव हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने ये शब्द कहे। खैर, इस अमर्यादित घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और दुनिया भर की मीडिया में पाकिस्तान के मजे लिए जा रहे हैं। और मजे भी क्यों न लिए जाए, आखिर पाकिस्तान का काम ही ऐसा है।